जो लोग की जकात अदा करते हैं, मसलन 20 रमजान को एक शख्स जकात हर साल अदा करता है और 20 रमजान तक उसके पास 40,000 रुपये थे, साल भर गुजर चुका, लेकिन 19 रमजान को उसके पास 40,000 और आ गए, तो उसको 80,000 पर जकात देनी पड़ेगी। जकात का जो दिन मुकर्रर है, जो रकम आ जाए वो उसमें शामिल कर दी जाती है, लिहाजा ये ना सोचे कि अब इस पर साल भर जो गुजरेगी तब इस पर जकात वाजिब नहीं होगी। नहीं, वो जकात जो जिस पर 12 महीने गुजर चुके उसके साथ अगर कोई 10 दिन पहले कोई रकम आ गई तो अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से, जिसको कि साल गुजर चुका है उसकी बरकत से इस पर इसको भी कबूल फरमा लिया जकात के लिए। इस सप्ताह फिक्र हर शख्स को 2 शेर पिसने वाला आटा, जो आजकल 3 रुपया किलो है, एक आदमी अपनी तरफ से अपने बच्चों की तरफ से 6 रुपया फी कस सप्ताह फिक्र अदा करे, और उसके अंदर यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं सबकी तरफ से उसकी जिम्मेदारी, बालिग हैं बालिगों की जिम्मेदारी, नाबालिग बच्चों की तरफ से उसको जिम्मे अदा करना है। बाद लोग कहते हैं साहब फला मौलाना ने तो 5.5 रुपया, मैं कहता हूँ इतना हिसाब किताब मत लगाओ, ठंडी बचा के आप मालदार नहीं हो जाएंगे, कुछ ज्यादा ही अल्लाह ताला के रास्ते में दे दिया जाए।